अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता अब यहां पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के पीयूष गोयल ने केजरीवाल पर यह कहा है कि केजरीवाल जी जो कहकर राजनीति में आए थे और उसके बाद जो कुकृत्य उन्होंने किया उसका जवाब अन्ना जी ने दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी के तमाम दिग्गज आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, और इसमें सीधे सीधे नाम अरविंद केजरीवाल का। और अब आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी के पीयूष गोयल ने केजरीवाल पर हमला करते हुए ये कहा है कि केजरीवाल जी जो कहकर राजनीति में आए थे उसके बाद जो कुकृत्य उन्होंने किया उसका जवाब अन्ना जी ने दे दिया है। अरविंद केजरीवाल जी जो बातें बोल के सत्ता में आए थे उसके बाद जिस प्रकार के कुकर्म उन्होंने किए हैं उसका जवाब श्रद्धे अन्ना हजारे जी ने दे दिया है। उसके बाद हमें और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अन्ना हजारे जी दुखी हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के ईडी की कस्टडी से दिल्ली के जल मंत्रालय को आदेश जारी करने के दावे पर एक नया सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इस बात का दावा किया है कि केजरीवाल ने उन्हें ईडी की हिरासत में रहते हुए काम करने का आदेश दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस ऑर्डर को ही फर्जी बता दिया। ईडी की कस्टडी से जारी अरविंद केजरीवाल के इस आदेश पर दिल्ली की गर्म सियासत में फिर उबाल आ गया। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बावजूद दिल्ली के लोगों की फिक्र में परेशान हैं, इसीलिए वो ईडी की कस्टडी में रहते हुए भी काम में लगे हैं, और वहीं से उन्होंने दिल्ली को पानी की समस्या से बचाने के लिए ऑर्डर दिया। आतिशी ने मीडिया के सामने वो आदेश पढ़कर भी सुनाया। इस पर बीजेपी ने भी मीडिया को बुलाया और आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईजैक कर लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आतिशी ने जिस आदेश को पढ़कर सुनाया उस पर ना तो किसी अधिकारी का नाम है और ना ही ऑर्डर नंबर लिखा है। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं, इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूंकि मैं जेल में हूं इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को इल्लीगल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईजैक किया हुआ है। जिस अफसर को अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाजत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी हो, केवल और केवल उसी को अधिकार है चिट्ठी इश्यू करने का। वह भी तब जब मुख्यमंत्री जी उनसे कम्युनिकेट करके कहें कि मेरे भाव पे चिट्ठी इशू करो। लेकिन आप देखिए किसी अफसर का नाम नहीं है, किसने इशू दफ्तर के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के कहने पे, किसने चीफ मिनिस्टर कहने पे ऑफिस पे ये चिट्ठी जारी की उसका नाम पता नहीं है। ये बिना ऑफिस ऑर्डर जो है बिना किसी नंबर के है। शराब घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बने शरद रेड्डी पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई। भाजपा शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भाजपा कैसे जानती है, भाजपा का कौन सा नेता इनसे मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई, कुछ तो बातचीत हुई होगी। तो ये राजनीति करें जो मूल बात है उसका उत्तर दें कि यहाँ पर जो इनका व्यक्ति था विजय नायर उसको सरकारी बंगला दे रखा था, उस सरकारी बंगले में फेस टाइम पे बात थोड़ी सीनूरी थी, क्या इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कराए नहीं कराए अपने खातों में, क्या इन्होंने यहाँ से गोवा पैसे भेजे नहीं भेजे, इसका उत्तर दें,
क्या इनके एक विधायक नकदी के साथ पकड़े गए थे, नहीं पकड़े गए थे, और जब पकड़े गए थे उन्होंने कहा था ये पैसा सेंटर से आ रहा है, दिल्ली आम आदमी पार्टी से आ रहा है। इन बातों का जवाब देना, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासी लड़ाई को तेज कर दिया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। वहीं आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को लेकर इंडिया गठबंधन ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा किया और इसमें ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च को गठबंधन की एक महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने जा रही है और इस पर बीजेपी ने इंडिया अलायंस को ईडी अलायंस करार दे दिया है। इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी महारैली। इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान, चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, इंडी अलायंस नहीं मैं इनको कहूंगा, ईडी अलायंस, इंडी अलायंस नहीं मैं इनको कहूंगा, सीबीआई अलायंस मैं कहूंगा, करप्शन के लोग जो जेल पर हैं, जो बेल पर हैं, उनका अलायंस। एक बात बहुत स्पष्ट है, इंडी अलायंस का पर्पस ये था, मैं बार बार कहता था जेल और बेल से बचना, आज स्पष्ट हो गया इसी इंडी अलायंस की कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट करके कहा था इन पे कार्रवाई करो। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन में अब दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता पार्टी लाइन से हटकर केजरीवाल पर हमलावर हैं। वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के कुछ नेता तो अब केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तक करने लगे हैं। ईडी ने शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया और इंडिया गठबंधन में तूफान आ गया। गठबंधन के बड़े बड़े नेता इसी बात पर एक मत नहीं है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराना है या गलत। यही वजह है कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दो फाड़ होती नजर आ रही है। वैसे तो शुरुआत से विपक्ष गठबंधन केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश ठहरा रहा है। इसी वजह से एक दिन पहले दिल्ली में आईटीओ के पास आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के बाकी दल बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरे। राहुल गांधी से लेकर शरद पवार और अखिलेश यादव जैसे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आग बबूला हैं। वो गिरफ्तारी को असंवैधानिक कदम बता रहे हैं। हम सभी लोग इस संघर्ष की घड़ी में, इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में केजरीवाल जी के साथ डटकर खड़े रहेंगे और है। राहुल गांधी ने तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री पर निशाना भी साध दिया। दो टूक कहा था कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता राहुल गांधी को ठेंगा दिखा रहे हैं। वो केजरीवाल पर तीखे बयानों के तीर चला रहे हैं। ईमानदारी का हमको 2011 से लेकर 14 के बीच जबरदस्त पाठ पढ़ाया गया था जिनकी तरफ से, जिसने कहा कि मैं ईमानदारी कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा। सरकार चलाने में काफी वक्त लगता है, काफी मुश्किलें आती हैं, काफी जद्दोजहद होती है, तो मेरा व्यक्तिगत ये होगा कि अगर वो किसी और को मनोनीत कर दे या पार्टी चुन ले तो शायद बेहतर रूप से अगले कुछ दिन सरकार चलेगी, लेकिन ये उनकी पार्टी है, उनके पार्टी का अपना निर्णय है। वो आदमी जो ईमानदारी की गुड़ती दे के आया था, आज वो सबसे बड़े लिकर स्कैम में, वो आज जेल में है। ये कहते थे हम तो ईमानदारी की गुड़ती देने वाले हैं और पता चला सबसे बड़े ठग ये निकले, बहरूपी ये निकले। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चलाकर राजनीति में कूदे थे। ऐसे में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कई नेता आज तक उनसे दुश्मनी भुलाने को तैयार नहीं है।